आप और हमने मुस्तरीद होकर कोई फैसला लिया, यकीनन उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत थी और हमारे इतिहास के ऊपर हमने तारीफ बता दी है कि हमें अपने कई कामयाबियों का खबर तय किया। मुझे खुशी बात की है कि मैं जमशेदपुर की तारीखी सरजमीन पर आया हूँ और यकीनन यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां दी। इस सरजमीन पे तारीखी शख्सियतों ने यहाँ पर इस जमीन पर अपनी खिदमत कायम की और यहाँ पर अपना काम छोड़कर चले गए, जिसमें हजरत मौलाना अशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, दीजिएगा ना सैयद तफसीरुल करीम साहब रहमतुल्लाह, और जुम कर गया और हाजी अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह, इन तारीखी शख्सियतों ने ना सिर्फ मिली खिदमत अंजाम दी बल्कि तालीम के मैदान में अपनी कुर्बानियों के ऐसे नुकूस छोड़कर गए हैं कि सुबह कयामत तक दुनिया इनकी कुर्बानियों को, इनकी खिदमत को याद रखेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क के हालात से आप तमाम लोग वाकिफ हैं, मैं आपको ज्यादा बताए बगैर सिर्फ इतना अपील करना चाह रहा हूं कि जिस मुकाम पर ये इंतखाबी जलसा हो रहा है, इसी मैदान में मुझे यहां से दूर से महात्मा गांधी का मुजस्मा भी नजर आता है और मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है।